हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मूंगफली की चिक्की बना रहे हैं। आपने गुड़ की तो बहुत खाई होगी, आज हम शक्कर से बना रहे हैं, हम चीनी से बना रहे हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आप ये बहुत ही कम समय में बनाकर खा सकते हैं। ये बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मूंगफली के दाने लिए, इनको मैंने हल्का सा पहले रोस्ट कर लिया और छिलके उतार दिए, और 250 ग्राम ही बूरा चीनी लिए। अब मूंगफली की चिक्की बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसमें इस बूरा चीनी को डाल देंगे। आप बूरा चीनी की जगह मोटी वाली चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मोटी चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बूरा चीनी लिया। अब हम इसको मेल्ट होने देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये मेल्ट हो जाएगी भी थोड़ी देर में। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद में ये चीनी मेल्ट होने लग गई है। हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, ये मेल्ट होने हो जाएगी। हमने गैस को लो फ्लेम पे कर रखा है। ये चिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बिल्कुल बाजार के जैसे बनती है। आप घर पर भी बनाकर खा सकते हैं इनको। हमारी चीनी मेल्ट होने एक लग गई है। मेल्ट होने के बाद में ये मोटी गुठलियाँ बन गई है, लेकिन ये जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी गुठलियाँ भी निकलती जाएगी इसकी। चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हम बीच बीच में इसको चला रहे हैं। हमें चीनी को मेल्ट ही करना है, हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनाएंगे। हमारी चीनी मेल्ट होने लग गई है। अब हम चमचे से हिलाते रहेंगे ताकि जल्दी से ये आसानी से मेल्ट हो जाएगी। अभी भी हमने गैस को लो फ्लेम पे कर रखा है। हमें चीनी को सिर्फ मेल्ट ही करना है, हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे चीनी को। ज़्यादा पक जाएगी तो हमारी चिक्की कड़ी हो जाएगी। हम इसको लगातार ही चला रहे हैं। हमारी सारी चीनी मेल्ट हो गई है, हमें बस इतना ही मेल्ट करना है चीनी को, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम मूंगफली इसमें डाल देंगे और जल्दी से मिक्स कर लेंगे। हमें ये प्रोसेस जल्दी से करनी है, नहीं तो चक्की इसमें ही सेट हो जाएगी। और जिस प्लेट में हम इसको जमाएंगे उसके ऊपर हम घी से ग्रिश कर लेंगे पहले ही। अब जल्दी से मिक्स कर लेंगे और गैस को हम बंद नहीं करेंगे, नहीं बंद करने पर तो ये यहीं इस फ्राई पैन में ही जम जाएगी। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी जल्दी करनी है। अब हमने मिक्स कर लिया, अब गैस को बंद कर देंगे। हमने ये प्लेट लिया, इसको मैंने घी से ग्रिश कर लिया है पहले ही। अब हम इस पर वो डाल देंगे। अब हम इस पलटे से थोड़ा इसको सेट कर देंगे। हम ये गरम गरम ही करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगी तो ऐसे ही जम जाएगी ये, तो हमें ये बहुत जल्दी जल्दी से करना है। हम इसको थोड़ा फैला देंगे। मैं इस बेलन के भी घी लगा ली हूँ, अब इससे बेल देंगे हम। थोड़ा पतला पतला कर देंगे इसको नीचे। ये चिक्की आप जरूर बनाकर खाइए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। ये गर्म रहेगी जब भी हम इसमें थोड़ा थोड़े कट लगा देंगे, क्योंकि ठंडा हो जाएगी तो ये कट नहीं लगाए जाएंगे, तो हम इसमें थोड़े थोड़े कट लगा लेंगे और फिर ठंडे होने के बाद में हम निकाल लेंगे इसको।
हमने इस पे हल्के से कट लगा दिए। अब 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। हमारी मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाकर खाइए।